क्या कुछ लाइक्स के लालच में लाइफ को खतरे में डालना सही है? कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से खबर आई कि दो लड़कों ने रील बनाने के चक्कर में नदी में छलांग मार दी। स्टंट का वीडियो तो वायरल नहीं हुआ, लेकिन मौत का वीडियो अवश्य वायरल हो गया। 20 साल के अनुराग गोस्वामी अपने मित्र नीरज और यश के साथ नर्मदा नदी के तट पर तिलवारा घाट पहुंचे। नीरज ने वीडियो बनाना आरंभ किया, अनुराग ने स्टंट दिखाने के लिए छलांग मारी। जब अनुराग डूबने लगा तो नीरज ने यश को मोबाइल दिया और अनुराग को बचाने के लिए नदी में कूद गया। अनुराग और नीरज दोनों पानी में डूब गए। जब तक दोनों को निकाला गया तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। कहते हैं दोनों तैरना तो जानते थे, अगर कुछ नहीं जानते थे तो वह थी जीवन की कीमत। गोंडा जिले में तीन युवक तेज रफ्तार से बाइक चलाकर रील बना रहे थे और रियल लाइफ से हाथ खो बैठे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रेलवे ट्रैक पर मोबाइल फोन से रील बना रहे एक जवान लड़के की मौत का लाइव वीडियो पिछले दिनों सामने आया। यदि मैं रील्स बनाने वालों के साथ हुए हादसों के विषय में बात करता रहूं तो यह वीडियो न जाने कितनी लंबी हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि रील्स बनाने और खुद को सोशल मीडिया पर चमकाने के चक्कर में जान गंवाने वाले सबसे अधिक टीनेजर्स और नई जनरेशन के लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। मैं आज इन सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रील्स के कलेक्शन के लिए जीवन से कनेक्शन ही टूट जाए ये कहां तक सही है? रील वाली लाइफ के लिए रियल लाइफ को दांव पर लगाना छोड़ दो। व्यूज का तो पता नहीं, आपकी लाइफ के बल्ब फ्यूज अवश्य हो सकता है। कुछ लाइक्स, कुछ शेयर, कुछ व्यूज और कमेंट्स, क्या इन सब के सामने जान इतनी सस्ती है कि कहीं से भी छलांग लगा दो, कहीं भी लटक जाओ, बाइक को एरोप्लेन समझ के उड़ाओ और ट्रेन की रफ्तार से कंपटीशन करो? मैं नई पीढ़ी से निवेदन करना चाहता हूं, आप इस देश के भविष्य हैं, अपने माता पिता के स्वप्न हैं, एक ऐसी जिंदगी और दुनिया है जो ठीक से अभी आरंभ भी नहीं हुई है। सोच कर देखिए जरा, जो लोग आपके वीडियो पर कमेंट्स करते हैं, क्या वह मुसीबत के समय आपकी सहायता के लिए आएंगे? रील बनानी है तो कोई ऐसी रील बनाओ जिससे लोगों को कुछ शिक्षा प्राप्त हो, जिससे लोगों की लाइफ में कुछ विशाल परिवर्तन आए। फिर आपको लाइक्स, शेयर, व्यूज और कमेंट्स के लिए भागना नहीं पड़ेगा, कहीं किसी ऊंची बिल्डिंग या पुल से कूदना नहीं पड़ेगा। निरंतर तुलना और मान्यता की खोज युवाओं के बीच आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। मैं युवाओं को यह नहीं कहता कि रील्स मत देखो या मत बनाओ, मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं कि रील्स बनाने वाले खतरनाक स्टंट ना करें और यह अवश्य विचार करें कि रील बड़ी है या रियल लाइफ में आपका रोल। रील्स की चमक धमक से मत उलझो, असली जीवन की सादगी और खूबसूरती को समझो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। कोई भी व्यक्ति कार्य तो अवश्य करता है, लेकिन वो कर्म योग कब बनता है? जब चार पहलू उस कर्म में जुड़ जाते हैं, जब कर्म के साथ अज्ञान, वैराग्य, ध्यान और भक्ति को जोड़ो, वही कर्म योग बन जाता है। आइए अपने जीवन को योग की दिशा में ले चलें, जीव को सनातन ईश्वर के साथ जोड़ें और अपना मानव जीवन सफल करें। हरे कृष्ण।